हाय फ्रेंड्स, निफ्टी ऑप्शन चैन के लिए ये गूगल एनालिसिस शीट है। गूगल एनालिसिस शीट को हम किस तरह यूज करेंगे, तो सिंपल है कि ये इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको सिर्फ एक्सपायरी में यहाँ पर डबल क्लिक करना है इस वाली डेट पे। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा। आप एक्सपायरी सेलेक्ट करिए, जो भी एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच करके आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको चार्ट दिए गए हैं, दो चार्ट मैंने लगा दिए हैं, चेंज इन ओआई और ओपन ओआई, ये ओआई का, ओके, पोजिशनल ओआई। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेट नंबर्स हैं, जो ओपन इंटरेस्ट के नेट नंबर्स हैं, ये चेंज इन ओआई के नेट नंबर्स हैं, ये वॉल्यूम के नेट नंबर्स हैं। यहाँ पर आपका पुट साइड में सेम वही है। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका निफ्टी का स्पॉट प्राइस चलता रहेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे रेशियोज मिलते हैं, यहाँ ट्रेंड मिलता है। ये सारी चीजें आपके डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी और लाइव होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारे जितने भी आपको डेटा दिख रहे हैं ये सारे आपको लाइव दिखेंगे। यहाँ पर मैंने कलर्स लगा दिए हैं, जैसे जैसे इसमें मैक्स मैक्स चेंज होगा तो उस पे आ जाएगा आपका, इसके हिसाब से कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन भी मिल जाएगा, क्या क्या है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, जो भी है वो मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है इसमें, कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस पेज पे आना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं ये वाला लिंक आपके लिए, ये मैंने लिंक दे दिया है। अब नेक्स्ट ब्राउजर खोलते हैं, सपोज दैट आपने ये वाला लिंक जो मैंने नीचे दिया है वही ओपन करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो वहां पर आपको फाइल पे आना है। ठीक है, फाइल पे आने के बाद मेक अ कॉपी करना है। ओके, कॉपी आपको करते टाइम पे अपने लिए जो भी कॉपी आप बनाओगे, ठीक है, अपने लिए जो भी आप कॉपी बनाओगे आप इसको गूगल ड्राइव पे शेयर करिएगा, सेव करिएगा, गूगल ड्राइव पे आप सेव कर लीजिएगा आपने। ठीक है, और ओके कर लीजिएगा, ये आपको गूगल ड्राइव पे आपके दिखेगा। ठीक है, कॉपी जरूर कर लीजिएगा तभी ये काम करेगा। ओके, अब सपोज दैट यहाँ पे आपने दूसरा सेलेक्ट किया, आपने देखा है उस शीट में 5 तारीख का है, मेरी वाली शीट में। अब यहाँ पर आप ले लीजिए मंथली एक्सपायरी का ले लेते हैं। ओके, डेटा को फेच कर रहा है, डेटा फेच करने के बाद ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर डेटा आ गया। अब ये समझ लीजिए कि आपने खोला है, ये वाली शीट आप यूज कर रहे हैं। अब ये वाली शीट देखिए कि मैं यूज कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये वाली शीट मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास 5th का खुला है, आपके पास में मेरे पास 5th का खुला है, और दूसरे ब्राउजर में देखेंगे तो ये 26th का खुला है। मतलब आप जब अपने लिए कॉपी करके ये रखेंगे तो आपका अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, अब आते हैं कि ये ऑलमोस्ट चीजें मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे आपका दो चार्ट भी है, अगर आप सेम इसी चार्ट को, ये वाले जो चार्ट है इसको आप बड़े में देखना चाहते हो, तो चेंज इन ओआई चार्ट ये रहा और आपका ओआई चार्ट ये रहा। ठीक है, और अब ये लास्ट में सवाल आता है कि हम लोग इसमें डेटा कहाँ से फेच करते हैं, तो वो moneycontrol.com से कर रहे हैं, बिकॉज NSE अपने कुकीज सिस्टम को डायनेमिक कर चुकी है और अब वो एक्सेल शीट में काम करना ही बंद कर दिया है। तो ये गूगल शीट थोड़ा आसान था, इसलिए मैंने आप लोगों को गूगल शीट में ये दिया, और लाइव बिल्कुल डेटा फेच करेगा ये। थोड़ा बहुत एरर की अगर हम बात कर लें तो बिल्कुल माइनर डेटा एरर हो सकता है। और क्या ये पेड शीट रहेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग जब तक चाहें तब तक यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसमें एक चीज और जान लीजिए कि ये जो इसमें नंबर्स दिख रहे हैं ये आपके लॉट साइज में नहीं है, ये टोटल नंबर्स है। ठीक है, ये क्वांटिटी में है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलो, तो ये था इस वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आपके लिए कुछ और ले आ सकते हैं। वीकेंड का टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, बाकी मार्केट सेशन में तो बहुत मुश्किल होता है, बार थोड़ा बिजी थे इसलिए ये बहुत डिले हुआ वीडियो देने आपको देने में। ये ऑप्शन चैन शीट मैं काफ़ी दिनों से बना रहा था, आप लोगों के लिए था, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, वो एक्सेल शीट भी काम नहीं कर रही थी पहले से, इसलिए था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।